हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। भाई देखिए, सेक्शन बी ऑफ पेपर थ्री हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कोशिश पूरी है, जोर शोर से है, बस आप लोग का साथ, सरकार, सब कुछ चाहिए ताकि हम आगे से आगे बढ़ते रहें। लेट्स मूव ऑन जल्दी से जल्दी। जो भी डाउट, तकलीफ हो, कोई भी पेपर सॉल्यूशन सेट हो आपके पास, जिसका सॉल्यूशन आपको चाहिए, बस आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक या फिर आप कहीं पे भी मुझे शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं उनको डाउनलोड करके आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती हूँ। जो भी पेपर सेट आपको जल्द से जल्द मिले, खैर मैथ्स और साइंस, अभी मैं मैथ्स का कर रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि साइंस का भी जल्दी से जल्दी अपलोड करो, बट मैथ्स का हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं, साइंस का भी हो सकेगा तो जल्द से जल्दी देंगे। ठीक है, वो विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन स्टेट 3 4 3 5 4 3/2 5 8 विल टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये आपको विदाउट करना है। आपको सिर्फ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के जो है उनके फैक्टर्स गिरा देना है। तो 5 4s 5 5s 5 9s 3 3s 3 1s, तो अगर आप देखते हो 5 4 3 upon 5 square into 3 into 3, तो 3 1s 8s 1s 8 9 10, तो इट इज नॉट भाई 181 upon 5 square into 3। अगर 3 बच जाता है, इसका मतलब ये इससे आगे फर्दर डिविजिबल नहीं है। तो 3 अगर डिनोमिनेटर में है, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, भाई नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन रहेगा। तो ध्यान रहे, गड़बड़ी ना करें। ठीक है, सो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। नेक्स्ट, इफ एचसीएफ ऑफ दिस, ये देखो हमने इस पेपर वन के सेक्शन बी में भी किया था। अगेन आपको मैं जस्ट बता रहा हूँ, एलसीएम इक्वल्स टू N1 into N2 upon HCF, ये फॉर्मूला है। दैट इज 306 into 657 upon 9, तो 9 7s 9 3s 27 और 306 into, दैट इज 22338, ये आपको मैंने सॉल्व किया था इसलिए मुझे याद है, बट आप कैलकुलेशन फिर भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। दिस इज द आंसर। देन इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, भाई पॉलीनोमियल जो है पी ऑफ एक्स, अल्फा एंड बीटा 6x² + x - 1, तो अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा -1/6, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका -1/6, दोनों का -1/6 -1/6। अगर मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर मीन्स -1/6 होल स्क्वायर -2 into -1/6, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 2 3s, और ये 1 -1 मीन्स 1/36 + 1/3, तो दैट इज इक्वल टू 1 + 12/36 यानी 13/36। अब अगर हमको सॉल्व करें, ये सारी चीजें जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो चीज मैंने डाल दी। अब यहाँ पे अगर मुझे ये सॉल्व करना है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैंने कैसे फाइंड किया आपको पता चल गया होगा, बट यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस, मैंने स्पेस कम छोड़ी है, तो यहाँ पे याद रखना। इसके हिसाब से मैं अगर लिख देता हूँ 13/36, ये सब मैं इरेज करके यहाँ पे मेंशन कर दूँ। क्लियर, मुझे फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, वेट अ सेकेंड, तो मुझे फाइंड करना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 (1/(1)) अल्फा प्लस 1/(1)) बीटा प्लस 3 (अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा प्लस 2 (अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस 3 (अल्फा बीटा)। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका हो गया 13/36, और अल्फा इंटू बीटा मीन्स -1/6 है, तो अपॉन -1/6 प्लस 2 (-1/6) अपॉन -1/6 प्लस 3 (-1/6), तो 3 2s 6, -1/6 -1/6 कैंसिल 1, और ये ऊपर चला जाएगा यूं करें तो 6 6s, तो आपका बच जाता है -13/6 -1/6 मीन्स +2 -1/2। इसका अगर हम लोग एलसीएम वगैरह कुछ लेते हैं, अब स्पेस बाई स्पेस, सही में मैंने एक गलती कर दी, स्पेस छोड़ देना चाहिए था, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट नो प्रॉब्लम। -6 इज दी आपका एलसीएम होगा, तो -13 + 12 एंड -3 अपॉन 6,
तो ये हो जाएगा माइनस वन माइनस माइनस फोर अपॉन सिक्स, यानी आपका आंसर आ जाएगा -2/3। कैलकुलेशन फिर भी अच्छे से कर लीजिएगा, मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कोशिश किया बट फिर भी कैलकुलेशन आप ध्यान से कर लीजिएगा। मैं अगर कलर मुझे चेंज कर लूँ तो शायद प्रॉपर दिखाई देगा क्या, चलिए ट्राई करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल्स टू जीरो, तो एट फोर टू जो एट होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट इक्वल्स टू जीरो, एक्स कॉमन एक्स माइनस फोर प्लस टू कॉमन एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो, एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स इक्वल्स टू फोर और माइनस टू, तो अल्फा इक्वल्स टू फोर ले लेते हैं, बीटा इक्वल्स टू माइनस टू ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे दोनों जीरोज मिल गए। अब मुझे वेरीफाई रिलेशन वेरीफाई करना है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, फोर माइनस टू इक्वल्स टू टू, और फ्रॉम रिलेशन अगर देखूं तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस ऑफ माइनस टू अपॉन वन, यानी प्लस टू हो गया यहाँ पे भी, और अल्फा इंटू बीटा होता है फोर इंटू माइनस टू यानी माइनस एट, और फ्रॉम रिलेशन अगर देखें तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, दैट इज माइनस एट अपॉन वन, दोनों वेरीफाई रिलेशन, हैंस वेरीफाइड रिलेशन भी वेरीफाई हो गया और आपके जीरोस भी मिल गए। नेक्स्ट चेक व्हेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ एन एपी और नॉट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ए एन को ले लो माइनस 150, ए को ले लो 11, बी आपका हो जाएगा 8 माइनस 11 यानी माइनस 3। बस इसके बेस पे अगर एन, इफ एन इज अ नेचुरल नंबर तो ये करेक्ट है, अगर नेचुरल नंबर नहीं मिलता मीन्स माइनस 150 उसका टर्म नहीं है, तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d, ए एन आपका माइनस 150, ए आपका हो गया माइनस प्लस 11 प्लस एन माइनस 1 और डी आपका माइनस 3, तो माइनस 150 तो माइनस 161 अपॉन 3 इक्वल्स टू एन माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 3 तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 53.67 इक्वल्स टू एन माइनस 1, तो एन इक्वल्स टू 54.67, सो विच इज नॉट पॉसिबल, तो देयरफॉर माइनस 150 इज नॉट अ टर्म, इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी, नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी, ये एपी का टर्म नहीं है क्योंकि 51. डेसिमल में आ गया, तो इट इज नॉट पॉसिबल। राम कली सेव्ड रुपीज 5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय रुपीज 1.75 इन द nth वीक, हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75, फाइंड n। देखो a इक्वल्स टू 5, an इक्वल्स टू 20.75, d इक्वल्स टू 1.75, आपको n फाइंड करना है, तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, तो 20.75 इक्वल्स टू 5 प्लस एन माइनस वन इंटू 1.75, तो 15.75 इन ब्रैकेट 1.75 इक्वल्स टू एन माइनस वन इम्प्लाइज एन माइनस वन इक्वल्स टू, देखो 15.75 तो 1575 अपॉन, दोनों का मैंने डेसिमल डेसिमल हटा दिया, 10, तो 10 by weeks लगेंगे, 10 weeks it will get to 20.75. Which term of an AP is its first negative term? देखो first negative term है, तो आपको पता है कि n equals for n क्या find करना है, तो देखो a आपका 121 हो गया, b आपका 117 minus 121 हो गया, that is equals to minus 4 हो गया, और आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म मतलब ए एन जो है लेस देन जीरो होना चाहिए, तो फॉर फाइंड एन, एन आपको फाइंड करना है, तो ए एन लेस देन जीरो होना चाहिए, तो ए एन आपका हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी इज लेस देन जीरो, 121 प्लस एन माइनस वन डी आपका माइनस फोर लेस देन जीरो, सो 121 माइनस फोर एन प्लस फोर लेस देन जीरो, तो माइनस फोर एन लेस देन माइनस 125, तो एन लेस देन 125 अपॉन 4, तो एन इज लेस देन 125 मीन्स 31.25,
एन की वैल्यू जो होगी 31.25 से कम मीन्स एन इक्वल टू 31, 31 अगर होगा तो वो लेस देन 31.25, एन जो है nth टर्म जो है आपका लेस देन 31.5, मीन्स 31 टर्म जो होगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा। एक मेथड ये है फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करने का। दूसरा मेथड आपको अगर मैं बताऊं कि आप डायरेक्टली इसको इक्वल्स टू जीरो ले लो, अगर मैं इसको इक्वल्स टू जीरो ले लेता तो मैं जीरो हो रहा है 31.5 पे तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म सेकंड n इज लेस देन 31.5 तो वो लेस देन जीरो रहेगा, ग्रेटर देन आना चाहिए उसे, साइन चेंज नहीं हुई, माइनस 125 माइनस माइनस, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन चेंज हो जाती है, हियर इट बिकम्स ग्रेटर देन, मैं वही सोचूं इट बिकम्स ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन इज 32, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 32 टर्म। आप डायरेक्टली एन ए एन इक्वल्स टू जीरो लेके भी कर सकते हो। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा ए माइनस माइनस प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस रूट टू ए स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं 4a square plus 4b square, so that is equals to 2 root a square plus b square, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 को common निकाल दिया था, means 4 common, और 4 क्या होता है 2 का root होता है, तो 2 बाहर आ गया, so that's why 2 under root a square plus b square units, तो units लिख देना चाहिए, units लिखना मत भूलिएगा नहीं तो गड़बड़ है। Now question number 23 भाई, I hope आप लोग को understand भाई, थोड़ा सा speed में जा रहा हूँ लेकिन समझ में आना चाहिए, क्योंकि speed में जाना जरूरी है, नहीं तो आप पूरा video देखने में time waste करोगे तो practice और कब करोगे, so speed में नहीं। Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points -1, 7 and 4, -3 in the ratio। देखो sectional formula आपको पता है वैसे तो, मैं लिख देता हूँ sectional formula, या sectional नहीं section formula बोलूँगा, section formula p x comma y equals to p in bracket m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2, तो आपका हो गया p in bracket m1 आपको ले लो 2, m2 आपका 4 means x2 sorry plus 3 in bracket minus 1 upon 2 plus 3 means 5 comma 2 in bracket minus 3 plus 3 in bracket 7 upon 5, तो p के coordinates आपके देखो यहाँ पे 8 minus 3 upon 5 comma minus 6 plus 21 upon 5 comma, so ये आपका हो गया p in bracket 5 minus means 1 minus 15 by 3 that is 3, 15 by 5 that is 3, so 1 comma 3 is your answer, section formula का proper use करोगे तो आपका answer मिल जाए। Next, a class teacher has the following absentee record for 40 students of your class whole term, find the mean number of the students, so पहले सबसे पहले आपको बताइए xi find करना है, तो 6 का division 3 10 plus 6 16 divided by 2 8 24 divided by 12 34 divided by 2 17 28 divided by 2 रेशियोज पूरा टोटली डिफरेंट डिफरेंट है सब जगह, तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे, 39 सब कुछ आ गया है, तो आपको स्टेप डेविएशन मेथड यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें क्लास साइज सबकी अलग अलग है, तो अगर एफ हम लोग ले लेते हैं डी आई एज्यूम इन मेथड जो है उसको यूज कर लेते हैं, तो एज्यूम इन मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग करते हैं तो लेट दिस बी आपका ये मैं बना देता हूँ ए, इसको ए ले लिया तो जीरो, देन 12 माइनस 17 यानी माइनस 5, 8 माइनस 17 माइनस 9, 3 माइनस 17 माइनस 14, 24 माइनस 17 प्लस 7, 33 माइनस 17 दैट इज 16, और 39 माइनस 17 यानी 222, तो एफ आई डी आई अगर करें हम लोग ऐसे डायरेक्टली कर देना तो भी ठीक था, चलो कोई बात नहीं, एफ आई डी आई इक्वल्स टू माइनस 14 इंटू 14 11, तो 14 और 11 हो गया 154, माइनस 154 देन माइनस 90 माइनस 35 0 28 48 एंड 22, सिग्मा एफ आई
सिग्मा एफ आई आपको दिया हुआ डायरेक्टली 40 स्टूडेंट्स, मैंने डायरेक्टली 40 कर दिया, 11 21 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 8 यानी 40। और सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई आपका हो जाएगा देखो 28 एंड 22 मीन्स 50, 50 प्लस 40 90, तो 90 से 90 तो चला गया और 8 एक्स्ट्रा बचा है, तो माइनस 8 हम लोग किसी में से भी कर देते हैं, सपोज माइनस 8 किया तो 27, सो माइनस 27 और ये हो जाएगा हमारा 1 5 6 7 8 और माइनस 181, माइनस 81 सिग्मा एफ आई डी आई हो गया। तो एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। देखो कैलकुलेशन आप अच्छे से कर लेना, मैंने तो बस अपने फटाफट स्पीड के हिसाब से कैलकुलेट किया है, देन डू यू कैलकुलेट प्रॉपरली कैलकुलेट कर लेना, मैं फिर भी यहाँ पे कर देता हूँ। देखो माइनस 154 माइनस 90 माइनस 35 तो 9 9 10 11 12 12 प्लस 5 17 71 माइनस 279 तो माइनस 279 और यहाँ पे प्लस वाले का करें तो 50 98 तो 181 तो माइनस 181 इज परफेक्ट आंसर। तो बस माइनस 181 हम लोग सिग्मा एफ आई डी आई, वो सिग्मा एफ आई आपका हो गया 40। तो ए आपने क्या लिया था भाई, ए हमने लिया था 17 माइनस 181 अपॉन 40 तो 17 माइनस 18.1 अपॉन 4 तो 17 माइनस 4 4s are 16.525 तो आपका हो जाएगा x बार इक्वल्स टू माइनस करके देख लो 17.000 4.525 तो 57421 तो 12.475 x बार यानी आपका हो गया 12.475। भाई कैलकुलेशंस तो जरूरी है, कोई भी क्वेश्चन हो मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ इसका मतलब ऐसा नहीं है कैलकुलेशन करेक्ट हो, बट आपको करना है ठीक है। The following table shows the age limit of a hospital delivering. Find the mode and the mean of the given data. Compare and interpret two measures. भाई mode भी find करना है, mean भी find करना है, तो हम लोग क्या करते हैं? Table common बनाना. Let's see. चलो मैं mean पहले find कर लेता हूँ क्योंकि mean थोड़ा सा रहेगा. 15 plus 5, 20 divided by 5, 10, 40, 20, 30, 40, 50, 60. और यू आई अगर हम लोग कर देते हैं, यू आई इक्वल्स टू इसको हम लोग ले लेते हैं ए, तो ए हमारा हो गया तो 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 1 2 एफ आई यू आई नंबर ऑफ पेशेंट्स कुछ बताया नहीं है तो मैं नंबर ऑफ पेशेंट लिख देता हूँ यहाँ पे। सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 6 प्लस 11 17 17 प्लस 21 दैट इज 38 38 प्लस 23 यानी 61 61 प्लस दिस तो 65 65 प्लस 61 और 66 यानी 70 80 80 पेशेंट्स हैं, मेंशन नहीं किया बट 80 पेशेंट्स हैं, फिर भी कैलकुलेट कर लेना 10 20 30 40 50 60 70 80 ओके 80 पेशेंट्स आते हैं। सिग्मा एफ आई यू आई करें तो माइनस 18 माइनस 22 माइनस 21 0 14 एंड 10 14 और 10 24 हो गया तो प्लस 2 माइनस 19 एंड माइनस 18 यानी माइनस 27 माइनस 37 तो सिग्मा एफ आई यू आई आपका हो जाएगा माइनस 37 तो एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इन टू एच तो ए आपका हो गया 40 माइनस 37 अपॉन 80 इन टू एच आपका हो गया 10 जीरो जीरो कैंसिल तो दिस इज इक्वल्स टू 40 माइनस 8 4 32.5 तो 8 6 48 8 2 16 so it will be 35.38 तो आपका mean तो मिल गया 35.38। अब mode होता है z equals to l plus f1 minus f0 upon 2 f1 minus f0 minus f2 into h तो l पहले model class आपको देखनी होगी मॉडल क्लास हाईएस्ट लिमिट तो ये मॉडल क्लास हो गया तो लोअर लिमिट आपका हो गया 35 प्लस एफ वन मीन्स ये वाला एफ वन हो गया ये एफ जीरो हो गया दिस इज एफ टू तो एफ वन 23 माइनस 21 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू एच मतलब 10 ये हो जाएगा 35 प्लस 2 अपॉन 46 माइनस
इंटू टेन, तो 35 + 20 अपॉन 11, सो ये हो जाएगा 35 + 1.8, अप्रोक्सीमेटली दोनों सेम है लेकिन 35.38 और 36.81 इज द आंसर. अ डाइस थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. अ डाइस की आउटकम 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर प्राइम नंबर पूछा है फेवरेबल. आप प्राइम नंबर अगर देखते हैं तो 2, 3 और 5, तो 3/6 = 1/2 फर्स्ट वाले का भाई जो ये दिया हुआ है प्राइम नंबर, ये इधर 1 होना चाहिए, 2 लिखा हुआ है प्राइम नंबर. और सेकंड इवन नंबर, इवन नंबर 2, 4, 6 तो ये भी 3/6 होगा, दैट इज 1/2. ऑलमोस्ट सबको पता होगा बट फिर भी यार करवाने में क्या जाता है. A dice is thrown twice. What is the probability that 5 will not come either time? 5 will come at least once. देखो, आपको डेटा तो पता ही है. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. So either 5, एक भी देखो 5 आने वाला चांसेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. भाई अगर फर्स्ट वाला केस देखें 5 नहीं आएगा तो 36 - 11 यानी 25/36 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, और 5 आने की अगर बात करते हैं तो 11/36 क्योंकि 5 11 टाइम्स आ रहा है और 5 25 टाइम्स नहीं आ रहा है. सो 11/36 एंड 25/36 इज द आंसर. सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी पेपर 3 का. बस इसी तरह से बढ़ते रहेंगे, सो बने रहो. थैंक यू वेरी मच. आप बस आपका सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा ग्रो करने के लिए, और उसके बाद भी एग्जाम्स हो जाने के बाद भी आप कुछ ना कुछ इंडिकेशन देते रहिएगा ताकि हम आगे से आगे बढ़ते रहें. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, शंभा केयर.